अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। तो आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज इस चैनल में मैं जिस चीज़ के बारे में आपका तारफ कराने जा रहा हूँ वो एक होटल है। आपको पता है कि इस चैनल मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं उनका मैं तारफ करवाता हूँ, नई नई और जदीद चीज़ें और मशहूर मारूफ़ चीज़ें, और वो भी दही इलाकों के अंदर। तो तहसील लुमपुर थल डिस्ट्रिक्ट कुशाब जो है, एक आदिकोट जो शहर है वहाँ पर एक मशहूर होटल है जिसका नाम शहनशाह होटल है। तो इस होटल का तारफ जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो लोगों का रश होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी वजह शोहरत क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये होटल का जो मालिक है वो आपको बताएगा। जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लजीज और तरह तरह के जो चटपटे खाने होते हैं तो ये लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होकर आते हैं। तो इसकी आखिर क्या वजह है, इनकी क्वालिटी, असल चीज़ देखी जाती है क्वालिटी, तो इनकी क्वालिटी और क्वान्टी के हवाले से जो सारी मालूमात है वो आपको होटल के मालिक बताएंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये उनका एक रूम है, आप देखें कि बड़ा अच्छा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, और ये चेयर्स भी आपको नज़र आ रही हैं, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के पीछे रूम्स हैं, फैमिलीज के लिए भी ये अलग किस्म के रूम्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो अब जो है वो मैं आपकी बात करवाता हूँ जो होटल का मालिक है उससे जी। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, की नाम है थोड़ा भाई जान? मोहम्मद वकार जी। मोहम्मद वकार, अच्छा वकार भाई, ये माशाल्लाह ये शहनशाह होटल जड़ा है इतने काफ़ी ज़्यादा रश होता है, और ये तुमने बड़ा अच्छा सेटअप बनाया है, ये कितने अरसे हो गए इस होटल में? इन 8 साल हो गए। अच्छा 8 साल, और इन 8 सालों के बिच यानी जहर उ कारोबार कामयाब होंगे कि जितने क्वालिटी अच्छी हो, खाना जो अजक इसका मियार वेखे वह इतने कि मेन चीज़ें होंगे ने? सारे को बीफ होंगी, बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, तंदूरी गोश्त होंगे जी, दाल छोले सब्जी, चिप्स, चिकन पीस वगैरह वगैरह, लजीजा खीर होंगी। अच्छा ते ए दिन तकरीबन कितने कितने आ जाते हैं थोड़े को लोग? इतने जी साढ़े को बड़ा रश होता है जी, दिन रात 24 घंटे। अच्छा अच्छा, बाकी जितने चीज़ें तुम हम दसिया ने एक ज्यादा किड़ी चीज की डिमांड है? मटन कढ़ाई जी, बीफ जी, तंदूरी गोश्त ये ज्यादा चलता है जी। तंदूरी गोश्त खुद तैयार करते हो? जंडाल एक बड़ा मशहूर गोश्त है। नहीं जी, आप तैयार करते हो खुद? अच्छा खुद जी, खुद ठीक है। इस तो इलावा इतने कितने का तकरीबन स्टाफ अमला काम करी है सारे नाल थोड़े लोग लोग तन मुख्तलिफ किस्म दे जी? जी 35 बंदे जी। अच्छा 35 बंदे जी। अच्छा इस तो इलावा भी कोई होटल है थोड़ा जी? 4 होटल हैं जी। अच्छा नूरपुर, एक झंडा वाला जी, एक भोड़ा वाला। अच्छा, एक आदिपुर। आदिपुर ये झंडा वाला कदों का बना होटल जी? उन्होंने 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। अच्छा भोड़ा वाले बना लगे होटल, झंडा वाले 6 किलोमीटर आगे, बहुत बड़ा होटल, 5 किलो बना लगे। अच्छा, शादी हाल भी है। अच्छा पंप भी है, थे होटल भी जबरदस्त। ये तो मतलब है कि इस बिजनेस माशाल्लाह तो फायदा हो रहा है जी? जी बिल्कुल। ते उस फायदे की असल वजह इस होटलिंग की कामयाब होने का की राज है असल मेन, यानी जिस वजह तो ज्यादा तुम इतमाद लोगों का हासिल कर सकते हो जी? सारा मियार भी अच्छा है जी, ते अच्छे अच्छे खाने ने जी। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा कितना तकरीबन मियार भी अच्छा है? ठीक है मियार भी अच्छा है। ते गोश्त वगैरह जो है फ्रेश जी? फ्रेश तैयार कर देंगे। कितने बकरे रोज दे तकरीबन? इतने 3 बकरे लग जाते हैं रोजाना दे जी? रोजाना 3 बकरे? 3 बकरे। अच्छा जी, मन बीफ लग जाता है जी, 3 किलो चिकन लग जाता है जी। अच्छा 30 किलो चिकन जी, जबरदस्त। अच्छा उसके अलावा बाकी सारे को दाल होती है, छोले होते हैं, सब्जी होती है। अच्छा ये भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा ठीक है। ते वैसे रेट्स के हवाले नाल जिनी जिहड़ी इस दौर दे जिनी महंगाई, चिकन दे रेट कितने ज्यादा होए ने पिछले चंद सालों दे विच? कोई 50 रुपया इजाफा कीता है। 50 रुपए? अच्छा। और इस तो इलावा बाकी कोई स्वीट डिशेस वगैरह होंगे ने? जी डिश बिरयानी होती है जी, पुलाव होता है जी। जी अच्छा, चैन पुलाव होता है जी। अच्छा इस तरह जी। जी भाई ठीक हो गया? यस हो गया जी। कितना सो काम करते हैं? तो तकरीबन 30 साल हो गया। अच्छा 30 साल जी, जी, काम करते हो? जी सर जी। दसो इस होटल के बारे, मतलब एक खास या कोई ऐसी चीज जिस वजह से होटल ज्यादा कामयाब जा रहे हैं? हमारी कढ़ाई मशहूर है, नमकीन खट्टा माला जी, कस्टर्ड भी मशहूर है, बिरयानी भी मशहूर, सब चीज़ें मशहूर है, आला मेयार है जी सर। ठीक है, तो थोड़ा जहा तारा करवा सकते हैं? वैसे भाई फिर जी चीज़ें जड़ी ने कढ़ाई या खीर? खीर खीर जी जी, खीर मशहूर है। हाँ जी जी जी, खीर मशहूर है। अच्छा देखो, अच्छा जबरदस्त माशाल्लाह, ये खीर है? ये खीर है। ये नाजरीन देख रहे हैं आप, ये खीर है, जबरदस्त। ठीक है ये स्वीट, और बाकी डिशेज बाकी
अच्छा जबरदस्त। अच्छा ये सलाद है जी, जबरदस्त जी। ये कटा कढ़ाई। अच्छा जी, ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये कटा कढ़ाई है, जबरदस्त माशाल्लाह जी। ये दाल। अच्छा ये दाल है माशाल्लाह, जबरदस्त, बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ है जी। जी, ये सफेद चने। सफेद चने जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी। और ये सब्जी। अच्छा ये सब्जी खत्म हो गई है। अच्छा ये माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त निज़ाम है। ये धनिया वगैरह ठीक है। और ये पीसेस, ये चिकन पीस है। अच्छा ये चिकन पीसेस हैं जी। ये चिप्स पकौड़े हैं। अच्छा चिप्स, ये माशाल्लाह इत्तेहाद में। अच्छा ठीक है, ये पुलाव है सर। अच्छा ये पुलाव ठीक है। और ये मटन है। अच्छा ये मटन है जी, जबरदस्त मटन। ये चिकन, जबरदस्त चिकन। और ये माशाल्लाह आपका चाय वगैरह का भी सेटअप साथ बना हुआ है जी। अच्छा चाय का। और पीछे ये देख रहे हैं नाज़रीन, बड़ा एक निज़ाम पीछे जिनका चल रहा है, ये पूरा सिस्टम है जी। Thank you.
तो जी नाज़रीन, आपने देखा और मैंने आपको जो विज़िट करवाया इस वीडियो के थ्रू, इस होटल का तारफ करवाया, इंट्रोडक्शन करवाया कि ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, फूड पॉइंट है, डिशेस पॉइंट है, यहाँ बड़े अच्छे अच्छे और लजीज खाने जो है वो तैयार होते हैं। और ये जो मालिक हैं और इस शनशाह होटल की, इनसे भी बात हुई, आपने देखा कितना अच्छा एक स्टैंडर्ड है कि इनके और भी होटल जो हैं वो जंडावाला में, नूरपुर थल में, रिकॉर्ड और जी घोड़ा वाला जो है वहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।